हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स एंड दिस इज कनुप्रिया। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, जिसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। हमारा जो प्रीवियस क्लास था वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन पे ही था। उसमें हमने एक प्रॉपर्टी को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था और उसके मैकेनिज़म को भी हमने डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमने बात किया था हेलोजिनेशन, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट है, और आज के क्लास में हम लोग कंबशन और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बारी है। तो जब हमारा कंबशन है, कंबशन में एल्केन्स को अगर हम लोग कंबशन प्रोसेस में डालेंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे देख सकते हैं, द फर्स्ट पॉइंट सेज एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि जो एल्केन्स होंगे, अगर हम उसे कंबशन प्रोसेस में डालेंगे, यानी अगर हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उन्हें जलाएंगे, तो वो क्या होगा, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। यानी कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होना, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी जो आपका लॉस ऑफ, आपका गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन जो होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये जो एल्केन है, जब हम इसे हीट करेंगे या कम्बशन प्रोसेस में डालेंगे, तो वो क्या करेगा, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि जो हाइड्रोजन, उसमें एल्केन में हाइड्रोजन्स होंगे, जैसे कि CH4 अगर है मीथेन, इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे और वो दूसरा जो भी उसके साथ जो भी हमारे रिएक्टेंट्स जो थे उसमें से जाके दूसरों के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। और ये आपका रिमूवल होने के बाद क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोवाइड करेगा। क्लियर, ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो ऑक्सीजन था वो कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बाहर आके दूसरे जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके वाटर बन जाएगा विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और इस प्रोसेस के द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। क्लियर, द फर्स्ट रिएक्शन यही बोलता है। अब देखते हैं इक्वेशंस क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन आप इसमें देख सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें बोल रहे हैं CH4, जैसे कि मैंने बताया मीथेन हम लोग ले रहे हैं, मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन में डाल रहे हैं या फिर हीट कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जा रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन थे यहाँ से, जो यहाँ पे चार ऑक्सीजन हम देख सकते हैं, तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लेस ले ले रहे हैं और ये बन जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन थे यहाँ पे, चार हाइड्रोजन थे, ये टू हाइड्रोजन, यहाँ पे टू टू जो फोर, और ये जो बाकी बचा था एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन जो बचे थे वो यहाँ पे जाके आपका वाटर बना दे रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। उसका अगर हम सेकेंड जो इक्वेशन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखे बताया गया था मीथेन को, सेकेंड में हम लोग देख सकते हैं ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, यानी फोर कार्बन है, यानी कि ब्यूटेन है। तो यहाँ पे हम लोग ब्यूटेन को लेके सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो दो के अमाउंट में था और यहाँ पे 13/2 के अमाउंट में ऑक्सीजन को लिया जा रहा है। और ये भी सेम प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो उसका अमाउंट है, जो प्रोड्यूस करने का जो अमाउंट है वो अलग होगा डेफिनेटली, क्योंकि कार्बन का मात्रा अलग है और हाइड्रोजन का मात्रा अलग है। तो हम लोग का जो यील्ड मिलेगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी, उसकी भी जो क्वांटिटी होगी वो अलग होगी। क्लियर, आप इसमें देख सकते हैं दोनों ही केस में हीट आपका रिलीज हो रहा है, जिसको यहाँ पे दिया गया है, जैसे पहले वाले में -890 किलो जूल पर मोल दिया गया, जो सेकेंड वाले केस में -2875.84 किलो जूल पर मोल दिया गया। दोनों ही केसेस में हीट इवॉल्व हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग ये जो कितना ऑक्सीजन और कितना ये सब चीज़ आपका निकलने वाला है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ यील्ड निकलेगा, इसके लिए एक जनरल फार्मूला दिया गया है। इस जनरल फार्मूला में आप लोग पुट करके
इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं CnH2n+2, यानी कि ये है आपका एक एल्केन का फॉर्म्यूला, एल्केन। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आप यहाँ पे पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर C5 हम ले रहे हैं, यहाँ पे C4 था, यहाँ पे अगर C5 ले लेते हैं तो C5H2n+2, यानी कि 5 × 2 = 10 + 2 = 12, यानी कि C5H12। यहाँ पे भी आप n का वैल्यू पुट कर देंगे, 5 था यानी कि 3n मतलब 3 × 5 = 15 + 1 = 16, बाई 2 यानी कि 16/2 हो जाएगा आपका 8, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ पे भी n का वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ n+1 यानी कि 5 + 1 दैट इज 6 हो जाएगा। आसानी से आप लोग लिख लेंगे। आपको बस ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद रहना चाहिए, ये याद हो जाएगा। अब जितना भी आपको कार्बन, आपको जिस भी एल्केन का आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, आप आसानी से फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा इनके वैल्यूज और आपको आंसर जो है वो निकल जाएगा। दिस इज़ द जनरल केमिकल इक्वेशन फॉर कम्बशन ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन का कम्बशन होने का जो जनरल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है वो आपका ये वाला है। क्लियर? दिस इज़ आपको ये जो पार्ट है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है कम्बशन से, जब हम लोग इथेन को या फिर मिथेन को या जो भी आपके एल्केन्स हैं उनको जब हम लोग कम्बशन प्रोसेस में डाल रहे हैं यानी उनको जला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन्स को फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल का बेसिकली क्या काम होता है, फ्यूल का काम होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, ताकि हम लोग कोई दूसरे काम उसके वजह से कर पाए। किसी भी काम को करने के लिए हीट और आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये जो है वो आपको हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। ये आपके जो पहला वाला पॉइंट है उसमें भी वही बोल रहा है। द फर्स्ट पॉइंट सेज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कम्बशन एल्केन्स आर यूज एज फ्यूल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने की वजह से उन्हें हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ एल्केन्स विद इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज फिल्टर्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कम्बशन हो रहा है, तो कम्बशन हो रहा है मीन्स इनकम्प्लीट कम्बशन भी हो सकता है। कुछ कम्बशन ऐसा होता है कि वो पूरा जो आपका प्रोडक्ट हमने लिया था वो पूरी तरीके से कम्बशन नहीं होके कुछ रेसिड्यू जो होते हैं वो बच जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मली एक वुड को जलाएंगे या फिर एक पेपर को जलाएंगे तो पूरी तरीके से तो गायब नहीं होगा, कुछ जो अमाउंट है वो बच जाता है, मैंने राख उसका बच जाता है। तो ये जो राख जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन ब्लैक बोलेंगे। ये जो कार्बन ब्लैक है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसमें, इंक के रूप में, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको इस तरह से यहाँ पे भी ये प्रोसेस जो है आपका दिया गया है, जैसे कि CH4 आपका गैसेस के रूप में, यानी कि ये जो है आपका मिथेन है, आप जब इसको कम्बशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, कार्बन और आपका हाइड्रोजन बन रहा है, मतलब वाटर बन रहा है। ये इनकम्प्लीट कम्बशन अगर होता है, कुछ अमाउंट में जो है वो इनकम्प्लीट कम्बशन भी हो जाएगा, यानी ये जो था मिलके वाटर तो बना देगा लेकिन कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा और वो क्या होगा, रेसिड्यू के हिसाब से वो क्या है, बच जाएगा, जिसको कि हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं एज अ इंक के रूप में बना के। क्लियर? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कम्बशन। नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कंट्रोल ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक और केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं ये बोल रहा है कंट्रोल्ड एंड ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन को कंट्रोल रूप में किया जा रहा है। आप लोग जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस है उसको क्या किया जा रहा है, आपका कंट्रोल्ड मात्रा में किया जा रहा है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग कम्बशन के कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जब फर्स्ट पॉइंट सेज एल्केन्स गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट एंड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एयर,
और एयर एट हाई टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका एल्केन्स है वो क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं किन किन चीज़ों में, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड आपका जो लास्ट है वो है एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। किसके प्रेजेंस में किए जा सकते हैं, मेटल कैटलिस्ट होना चाहिए, यानी कि कोई मेटल जो है वो कैटलिस्ट के रूप में होना चाहिए, और आपका लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन के लिए एयर और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और लास्टली आपको क्या ज़रूरत है, आपको हाई प्रेशर की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। तो देख लेते हैं ये जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस जो है वो आपका अल्कोहल उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हमने मिथेन तीनों ही केसेस में लिया है, दोनों केसेस में मिथेन हमने लिया है। तो मिथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मेटल कैटलिस्ट हमारा कॉपर है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये जो मीथेन था वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड प्रोसेस में आप देख सकते हैं मीथेन है, सिमिलरली फिर से ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी हमारा जो कैटलिस्ट और हीट यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये मिथेनॉल और आपका वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। मिथेनॉल जो है ये आपका एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये आपका अल्कोहल था। उसके बाद जो आपका लास्ट है उसमें आप देख सकते हैं ये आपका CH3 जो आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा, C2H6, यानी कि हमारा इथेन है। इथेन के साथ हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे भी कैटलिस्ट हो जाएगा और आपका क्या है, मेटल कैटलिस्ट। दोनों ही केसेस में मेटल्स है और हीट के प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड और वाटर बन रहा है। ये जो है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी तीनों केसेस में हम लोग देख सकते हैं हमने क्या किया, एक एल्केन लिया हमने, क्या उसके बाद क्या किया हमने, ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ हीट और मेटल कैटलिस्ट एटमोस्फेरिक आपका प्रेशर के वजह से हम लोग क्या करेंगे, पहला केस में हम लोग को अल्कोहल मिल रहा है, सेकंड में एल्डिहाइड और थर्ड में कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को मिल रहा है, यानी कि यील्ड के रूप में हम लोग तीनों चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके द्वारा हम लोग ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, एल्केन से, यानी जो रिएक्टेंट होगा वो एल्केन होगा तीनों ही केसेस में, और हम लोग तीनों चीज़ों को जो आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, एल्केन्स कंटेनिंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल ऑन द ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि एल्केन्स कंटेनिंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटम, यानी ऐसे हाइड्रोजन एटम जो कि टर्शियरी हो, टर्शियरी मतलब क्या होगा, वो तीन आपके अलग अलग, मतलब ये भी आपका तीन अलग अलग हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे, जो कि है हमारा 2-methyl propane जो है। इस तरह से अगर कोई भी टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स अगर होंगे, इसे हम पोटेशियम परमैंगनेट के आपके साथ, मतलब इसको हम लोग कैटलिस्ट के रूप में ले लेंगे, ये भी ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या बनाएगा आपका, एक अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, जो कि यहाँ पे बोल रहा है ये सिमिलरली ये भी जो है आपके टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए जो कंपाउंड में, तो वो लोग क्या करेंगे आपका जो है एक अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ये है आपका, इसका अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये किस तरह से बनेगा, ये अगर CH3 है और तीनों साइड से जो है CH3 और CH3 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तीन यहाँ पे मिथाइल कंपाउंड्स थे, साइड चेन्स और एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये एक टर्शियरी कार्बन एटम है, ये जो है टर्शियरी है क्योंकि ये तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। इस तरह के कंपाउंड पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, एक अल्कोहल को प्रोड्यूस करेगा। तो ये थे हमारे दो केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि टोटल हमारे तीन केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुके हैं एल्केन के। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी हम लोग जो रेस्ट दो है, दो या तीन है, हम उन्हें भी कंप्लीट करके केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पूरा जो पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।